दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के स्टूडियो में। आज की स्टूडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म से एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो है हैवी साइड शिफ्टिंग थ्योरम, या तो हम लोग इसे बोलते हैं सेकंड ट्रांसलेटरी प्रॉपर्टी। अगर हम लोग को एक फंक्शन एफ ऑफ टी का लाप्लास मालूम है, दैट इज इफ द लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज एफ ऑफ एस, और हमारे पास कोई एक और फंक्शन है जी ऑफ टी जो इस तरह से डिफाइंड है कि t when greater than a तो फंक्शन का वैल्यू होता है f of t minus a, that means कि जो हमारा फंक्शन है वो g of t से किसी तरह से रिलेटेड है, and when t is less than a but greater than 0 तो फंक्शन का वैल्यू होता है उस समय 0, g of t का जो वैल्यू होता है उस समय 0 होता है। तब अगर हम g of t का लाप्लास फाइंड आउट करेंगे तो g of t का जो लाप्लास होता है वो होता है e raise to power minus as dot लाप्लास of f t। अब ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार हम इसको यूज करते हैं जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ डील करते हैं। तो आज हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे कि किस तरह से ये रिजल्ट हमें मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें प्रूफ करना है कि लाप्लास ऑफ g of t इज इक्वल टू e raise to power minus as एंड लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ठीक है। तो लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी हम किस तरह से लिखेंगे? लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी इज डिफाइंड एज इंटीग्रल ओवर जीरो टू इंफिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एस टी डॉट जी ऑफ टी डी टी। अब जी ऑफ टी दो रेंजेस के लिए डिफाइंड है, तो दोनों के लिए हम लोग फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट व्हेन t lies between 0 and a, जब t हमारा 0 और a के बीच में है तो हमारे फंक्शन का जो वैल्यू है वो 0 है। तो 0 dot e raise to power minus st dt plus, सेकेंडली जब हमारा t का वैल्यू ग्रेटर देन a है a to infinity तो हमारे फंक्शन का वैल्यू है f of t minus a, that is f of t minus a when हमारी जो लिमिट्स हैं a टू इंफिनिटी है e रेस टू पावर माइनस एस टी डी टी, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम क्लियरली पहले देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट जो हमारा है उसका हमें इंटीग्रल नहीं करना है क्योंकि वो जीरो हो जाएगा, तो इसे हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे, तो जीरो हो गया। इस पार्ट के अगर मैं बात करूं तो इस पार्ट को हम यहां देखेंगे, तो हम मान लेते हैं कि टी माइनस ए को हम कुछ सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। टी माइनस ए की जगह मैं कुछ सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ, मान लीजिए टी माइनस ए लेट t माइनस ए इक्वल टू यू है तो dt टी इक्वल टू डी यू होगा, साथ ही t इक्वल टू हम लोग सब्सटीट्यूट कर सकते हैं u प्लस ए। एंड ध्यान रखना है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग हमेशा हमेशा मोस्टली केसेस में भूल जाते हैं करना, वो है लिमिट्स को चेंज करना। अभी आपकी लिमिट्स हैं a टू इंफिनिटी, जब आप u को इंट्रोड्यूस करेंगे तो लिमिट्स आपके चेंज होंगे, तो u के नए लिमिट्स क्या होंगे? U के लिए जो नए लिमिट्स होंगे when t equals to a तो t minus a का वैल्यू होगा 0, and when t equals to infinity तो u का वैल्यू भी infinity ही होगा, जो लिमिट होगी वो infinity होगी। That means कि हमारी जो नई रेंजेस होंगी लिमिट्स होंगी हमारी नई वो 0 to infinity होंगी, and f of u मैंने t minus a की जगह पे सब्सटीट्यूट किया है e raise to power minus s और t की जगह पे u plus a मैं सब्सटीट्यूट करूंगा एंड dt इक्वल टू डी यू। ये क्लियर है एकदम, ठीक है। आगे हम जब बढ़ेंगे तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि e रेस टू पावर माइनस ए एस ये कॉन्स्टेंट पार्ट है, इसे हम बाहर ले लेंगे e रेस टू पावर माइनस ए एस एंड जीरो टू इंफिनिटी एफ ऑफ यू डॉट e रेस टू पावर माइनस एस यू डी यू। अब ध्यान से देखिए ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है इंटीग्रल ओवर जीरो टू इंफिनिटी ऑफ f of u dot e raise to power minus su dot du, ये क्या है? ये लाप्लास फॉर्म है f of u का, तो इसे हम सिंपली लिखेंगे e raise to power minus as dot f of s, that means ये ट्रांसफॉर्म है इतने पोर्शन का। तो इस तरह से हम सेकेंड ट्रांसलेटरी प्रॉपर्टी लाप्लास की जो है उसको हमने ड्राइव किया है। आगे इसके ऊपर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। आशा करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।